हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बताऊंगा कि फ्राइडे के जो कल 22 मई, तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट ने आज क्लोजिंग कहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं एनएसई पे साइड में आया हो, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 9100 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और अच्छा खासा अपन को ट्रेंड देखने को मिला और 40 पॉइंट्स ऊपर उछल में ऊपर की तरफ मार्केट दिखाई दे। जैसे कि देख सकते हैं एडवांस में 30 और नेकलाइन में 20 अपने को देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस से निफ्टी में कैसे हो रहा, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो अब जब ऑप्शन चेन एनालिसिस अपन स्टडी करने वाले वो 21 महीने, अब 28 में जो कि अगली एक्सपायरी है तो उसका अपन स्टडी कर लेंगे। तो जैसे 9100 के ऊपर अपन को क्लोजिंग मिली, तो चलिए जैसे कि देख सकते हैं कि जो 9100 का लेवल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर देखे ऊपर की तरफ देखे तो जो सबसे ज्यादा ब्रेक रेजिस्टेंस है तो 9500 के लेवल पे दिखाई देते हैं, और अगर देखे तो 9200 का लेवल पे अच्छा खासा शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे जो 9000 का लेवल है, ये अच्छा खासा अपन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट साइड में ऑयल इंटरेस्ट खड़ा हुआ देखने को मिलता है और जो ऊपर की तरफ 9200 का जो कॉल है कॉल राइटर से, तो ये सबसे ज्यादा ऑयल इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है अपने, और 9500 पे सबसे ज्यादा। लेकिन कॉल राइटर से तो उनको लग रहा है कि 9200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल इंटरेस्ट अपने को देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि 9080 का जो लेवल है एक अच्छा खासा सपोर्ट हो चुका है, अगर 9080 के नीचे अगर मार्केट निकलना चालू कर दे तो अपन शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक कोई शॉर्ट नहीं कर सकते, और 9000 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा बेयरिश स्टैंड अपने को देखने को मिल सकता है। तो कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपन ने ऑप्शन चेन एनालिसिस से निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा तो चार्ट क्या दिखा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, निफ्टी 50 का जो चार्ट लगा है वो डे के कैंडल में देखे तो आज एक खासा खासा ग्रीन कैंडल दिखाई देखने को मिलता है। जैसे कि आज देखे तो निफ्टी में अपन को अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव करने को देखने को मिला। जैसे कि हैमर कैंडल के अगर ये हैमर कैंडल है इसके ऊपर कल सस्टेन कर रहे तो अच्छा खासा थोड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन कल इसका जो लो है इसके लो के नीचे के नीचे की तरफ ओपन होता है और नीचे की तरफ जाना चालू कर देता है अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है। तो आज के जो लो और हाई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले कल के लिए, इसके हिसाब से अपन कल के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी जैसे कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 17700 पे क्लोजिंग देखने को मिली। जैसे कि 18000 का अच्छा खासा सपोर्ट था उसको होल्ड किया, लेकिन बाद में जैसे देखे तो अच्छा खासा अपन को सेल ऑफ देखने को मिला और 17000 का सपोर्ट तोड़ के एक बैंक निफ्टी 17700 तक अपन को क्लोजिंग देखने को मिली। और जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर देखे जो नेक्स्ट एक्सपायरी 20 मई की तो वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर देखे जो 18000 का अच्छा खासा सपोर्ट टॉप रेजिस्टेंस बन चुका है वहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, तो लोग उनको नहीं लगता कि 18000 के लेवल के ऊपर जाएगा। अगर 18000 तोड़ देता है तो 18200 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ देखें तो 17500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर 17500 का लेवल तोड़ देता है तो 17200 तक लेवल अपने को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे को लगता है बैंक निफ्टी वीक है तो आप अच्छा खासा लॉन्ग मत के बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए तैयार रहिए, और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा उनको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे कि निफ्टी का चार्ट देखा तो अपन बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का डे का कैंडल स्टिक देखे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, नीचे की तरफ देखे तो अच्छा खासा एक सपोर्ट लाइन अपन ने ड्रॉ किया है। अगर ये सपोर्ट लाइन भी तोड़ देते हैं जैसे कि 17400 का लेवल भी तोड़ देता है और ये हैमर कैंडल क्रिएट इसके नीचे अपन आता है तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कल अब उनके लिए देखना पड़ेगा कि आज का लो वगैरह तोड़ता है इसके नीचे जाता है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है कल के लिए। कल मार्केट कहाँ खुलता है, बैंक निफ्टी कहाँ खुलता है, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं उस हिसाब से अपन इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से अपन कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर रोज में डेली वीडियो लाता रहूं लाइव ट्रेडिंग की और निफ्टी एनालिसिस की, इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन करें, वहां पे मैं अपने एजुकेशनल पर्पस जो भी रहता है वो वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए थैंक यू।